हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही काम के किचन टिप्स, जो कि आपके काम को बेहद आसान बनाएगा। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन टिप में देखेंगे अपने कार्य क्षेत्र के लिए योजना बनाएं और सभी काम में आने वाले उपकरणों को व्यवस्थित रखें। काम में आने वाले और सर्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों को निकाल कर और सामने रखें। और नंबर टू टिप में देखेंगे अपनी रसोई घर में तेज धार वाले चाकू रखें, जिससे आप जल्दी और आसानी से सब्जियां काट सकेंगी और इससे आपका समय भी बचेगा। और नंबर थ्री टिप में देखेंगे खाना बनाने से पहले सारी ज़रूरी सामग्री तैयार रखें, ताकि आपको खाना बनाने में आसानी हो। और फोर्थ टिप में देखेंगे अगर आप कुछ उबालने के लिए रख रही हैं तो ध्यान रखें कि प्रेशर कुकर या पैन का ढक्कन बंद हो, इससे खाना जल्दी उबलेगा और आप गैस की बचत भी कर सकेंगी। और फाइव नंबर टिप में देखेंगे अगर आप मीट पकाने वाली हैं तो वो खाना बनाने से कुछ घंटे पहले मैरिनेट कर दें तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। और सिक्स नंबर टिप में देखेंगे अगर आप बेकिंग करने जा रही हैं तो ध्यान रहे कि ओवन कुछ देर पहले ही गर्म होने रख दें, उसके बाद ही अपने डिश उसमें डालें। और सेवन नंबर टिप में देखेंगे अगर आप सब्जियों को उबालकर इस्तेमाल करने वाली हैं तो वो उसके लिए उबला हुआ पानी तैयार रखें, आपका काम आसान हो जाएगा। और एट नंबर टिप में देखेंगे अपना समय बचाने के लिए उन आइटम्स डिशेज को पहले से पकाने रख दें या पहले से पका लें जिन्हें बनाने में ज़्यादा समय लगता है। और नाइन नंबर टिप में देखेंगे सही सामग्री के लिए सही खाना पकाने की विधि का उपयोग करें, जिससे उसका स्वाद बना रहे। और टेन नंबर टिप में देखेंगे खाना बनाने के बाद अपना सिंक और प्लेटफार्म ज़रूर साफ करें। और इलेवन नंबर टिप में देखेंगे सबसे पहले तो कुकर का इस्तेमाल कम से कम करें, कुकर की भाप से भोजन बेस्वाद हो जाता है। यदि ज़्यादा ही आवश्यक हो तो कुकर में पकने के बाद ढक्कन हटाकर थोड़ी देर के लिए आंच पर ज़रूर पकाएं, इससे खाना स्वादिष्ट बनता है। और 13 नंबर टिप में देखेंगे नॉन स्टिक बर्तनों का मुंह त्याग कर लोहे के बर्तनों का डोसा टिकिया आदि बनाने का में प्रयोग करें, ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। और 14 नंबर टिप में देखेंगे गरम मसाला, सांभर मसाला, काली मिर्च पाउडर या आदि खरीदने की बजाय साबुत मसाले लाकर घर पर पीस कर प्रयोग करें, खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाएगा। और 15 नंबर टिप में देखेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट खरीदने के बजाय ताज़ा अदरक लहसुन कूट कर डालें, अगर समय कम मिलता है तो लहसुन छीलकर बंद डिब्बे में हफ्ते भर के लिए स्टोर कर लें। और 16 नंबर टिप में देखेंगे हरी सब्जियां बनाते समय ज़्यादा पानी का प्रयोग ना करें। और 17 नंबर टिप में देखेंगे खाना बनाते समय थोड़ा बहुत गर्म पानी करके रखें, जो दाल सब्जी में पकाते समय ज़रूरत पड़ने पर तुरंत डाल सकें। और 18 नंबर टिप में देखेंगे रोटी नरम बनाने के लिए आटे को गूंथने के बाद 5 से 10 मिनट ढक कर रखें और फिर थोड़ा सा तेल लगाकर फिर मथलें। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा टिप है, इसका प्रयोग आप ज़रूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, ताकि जो भी हमारा न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।